हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो यार? ठीक ठाक चल रही लाइफ। बेरोजगारी मुद्दा तो देश की बहुत बड़ी बन चुकी है। उसके साथ साथ मैं कुछ वैकेंसियाँ के बारे में डिस्कस करता हूँ। हमेशा आपके लिए एक नए नए वीडियो लाते रहता हूँ। जब भी कोई नया वैकेंसियाँ एडवर्टाइजमेंट आती है, सबसे पहले इन्फॉर्म करने को काम करता हूँ मेरे भाई। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक, जैसा कि आज जो वैकेंसी के बारे में हम जानेंगे मेरे दोस्तों, इस वैकेंसी का सारा डिटेल आपको सरकारी.com पे मिल जाएंगे। यह वैकेंसी मेनली पोस्ट का नाम अगर बोले मेरे दोस्त, तो CISF कांस्टेबल ड्राइवर का पोस्ट है। यानी कि जो भी CISF होते हैं उनका ड्राइवर ड्राइवर का यह पोस्ट है मेरे दोस्तों, जो कि 451 पोस्ट है। यानी इस पोस्ट की टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट कहे हैं तो 451 से मेरे दोस्तों। यह जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट साइट पे अपलोड हुआ है मेरे भाई, 24 जनवरी 2023 को 5:16 PM पर यह वैकेंसी के बारे में एडवर्टाइजमेंट के बारे में नोटिस को अपडेट किया गया है। यह जो है मेरे दोस्तों, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अगर बोले तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स CISF के लिए है। अब बात करें मेरे भाई कि इसमें इसका जो कि बहुत बड़ी मुद्दा है, अमाउंट कितना लगने वाला है मेरे दोस्त। सबसे पहले अमाउंट से पहले हम समझेंगे कि यह जो फॉर्म है, 23/1/2023 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। और लास्ट डेट की अगर बात करें तो लास्ट डेट 22/2/2023, करीबन एक मंथ मेरे दोस्तों यह फॉर्म फिलअप होंगे। एग्ज़ाम फी पेमेंट करने की लास्ट डेट मेरे भाई 22/2/2023 को है। अब एग्ज़ाम का डेट अभी शेड्यूल फिक्स नहीं हुआ है। अगर बात करें कि अमाउंट कितना लेंगे, पेमेंट कितना करना होगा, तो जनरल कैटेगरी का EWS और OBSC, मतलब तीन कैटेगरी जनरल, EWS और OBC को 100 रुपया लगेंगे मेरे भाई। SC ST ESM का 0 रुपया लगेंगे। आप यह जो पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, या डेबिट कार्ड माध्यम से, क्रेडिट कार्ड माध्यम से, या किसी नेट बैंकिंग के थ्रू आप यह पेमेंट कर सकते हैं। आगे अगर बात करें सर कि इसका रिक्वायरमेंट की मिनिमम क्राइटेरिया एज की क्या है, मैक्सिमम क्राइटेरिया की क्या है मेरे दोस्त। मिनिमम एज की बात करें तो 21 ईयर्स मिनिमम एज होने चाहिए, और मैक्सिमम एज की बात करें तो 27 ईयर्स मैक्सिमम एज होने चाहिए। यानी अगर बात करें इन दोनों के बीच एज कैलकुलेशन की मेरे दोस्तों, तो जो एज कैलकुलेशन है वह 2/8/1999 से लेकर 1/8/2004 के बीच होनी चाहिए। मिस मेरे भाई, 2/8/1999 से लेकर 1/8/2004 के बीच एज की क्राइटेरिया होनी चाहिए। ठीक, बात करें सर कि टोटल पोस्ट कितना है, तो अगर बात करें, देखो ये भाई जो भी वैकेंसियाँ है ओनली फॉर मेल के लिए है। यानी इसका कैंडिडेट जो भी होंगे वह मेल पर्सन होंगे, फीमेल पर्सन नहीं होंगे। कांस्टेबल ड्राइवर की अगर बात करें मेरे भाई, डायरेक्ट भर्ती 183 पोस्ट पे होगी, और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है मेरे दोस्तों 10th पास होना चाहिए कोई भी बोर्ड से, इंडियन कोई भी बोर्ड से 10th पास होने चाहिए मेरे दोस्तों। और उसके साथ साथ ड्राइवरी लाइसेंस आपको 3 इयर्स का होने चाहिए, या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया ए है। वहीं दूसरे पोस्ट की बात करें सर,
तो कांस्टेबल ड्राइवर, कंप ऑपरेटर, ड्राइवर फॉर फायर सर्विस डायरेक्टर का 268 पोस्ट है मेरे दोस्तों। इसमें में क्राइटेरिया वही है, और उसके साथ साथ मेरे दोस्तों यह मेन क्राइटेरिया ये है कि जो भी पर्सन इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे उनका हाइट 161 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट मेरे दोस्त 80 से 85 होने चाहिए, रनिंग उनका 800 मीटर होना चाहिए 3 मिनट 15 सेकेंड में, लॉन्ग जंप 11 फीट होना चाहिए, हाई जंप 3 फीट होना चाहिए। यही मेरे भाई इसका मिनिमम क्राइटेरिया है। बात करें सर कि कौन सा कैटेगरी का कितना नंबर सब वैकेंसी है, वहीं अगर कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट की बात करें, यूआर जनरल में 76 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 18 पोस्ट है, ओबीसी में 49 पोस्ट है, एससी में 27 पोस्ट है, एसटी में 13 पोस्ट, टोटल मिला के 183 पोस्ट है। वहीं अगर बात करें मेरे दोस्त कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की, तो 111 यूआर जनरल में सीट है, ईडब्ल्यूएस में 26 है, ओबीसी में 72 है, एससी में 40 है, एसटी में 19 है, टोटल 268 है मेरे दोस्तों। इस तरह से ये था, ठीक। एज वज हम सब जान चुके हैं मेरे दोस्तों। देखिए इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो हम समझ लेते हैं मेरे दोस्तों। आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस डिटेल होना चाहिए, बेसिक डिटेल होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें फोटो और सिग्नेचर आईडी प्रूफ के रूप में होने चाहिए। अगर जो भी स्टूडेंट जो भी भाई चाहते होंगे फॉर्म फिलअप करना, वह यहाँ से इस लिंक से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते होंगे, चाहे वह हिंदी में करना चाहते हैं, चाहे वह इंग्लिश में करना चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप फोटो जब फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय फोटो रिसाइज करना, सिग्नेचर रिसाइज करना, डॉक्यूमेंट रिसाइज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, वह सारे के सारे प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होंगे, आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि मेरे दोस्तों हमेशा आपके लिए मैं नोटिफिकेशन लाते रहता हूँ, उसी तरह से मेरे दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। सो थैंक यू।